देखो इस क्वेश्चन के अंदर, 11th के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, तो ये क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे। तो इस क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, फ्रिक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने कहा कि इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पार्टिकल का मास आपको गिवन है इसमें 1 kg और चार्ज भी गिवन है, रेस्ट से चला। हाइट आपको 1 मीटर गिवन है, म्यू गिवन है, टाइम बताना है कितनी देर में वो नीचे आएगा, ये क्वेश्चन है। अगर ये डिस्टेंस 1 है, ये 30 डिग्री है, तो कम से कम आप ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/s, तो यहां से क्या जाएगा, s, पहली चीज। तो अगर आप इस बॉडी की नीचे आने की एक्सेलरेशन बता दें मुझे, तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं s इज इक्वल टू 0 + ½ × 80² तो s मैंने निकाल लिया, एक्सेलरेशन मैं निकाल लेता हूं, टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। तो चलते हैं फिर, नेट फोर्स की अगर बात करते हैं तो नेट फोर्स के लिए इस फिगर को देखो। ये मैंने बता दिया 1 मीटर, ये एस और ये 30, तो ये शीट नंबर 9 है। तो ये एक चार्ज बॉडी है, तो पहली फोर्स क्या बनेगी, mg, 30 30, mg के कंपोनेंट्स, mg का पहला कंपोनेंट mg cos 30, दूसरा कंपोनेंट mg sin 30। पहली चीज क्लियर। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ बनेगा, n ऊपर की तरफ, कोई डाउट इसमें? तो mg, mg cos 30, mg sin 30, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट फ्रिक्शन, ये बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे, तो फ्रिक्शन काट करेगी पीछे, ऊपर कितनी करेगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये भी क्लियर है यहां तक? तो पहली फोर्स वेट के कंपोनेंट्स, दूसरा इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, लास्ट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो क्यूई भी राइट है। ये 30 तो ये भी 30 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यूई का एक कॉम्पोनेंट क्यूई कॉस 30 और एक कॉम्पोनेंट क्यूई साइन 30, तो क्यूई के कॉम्पोनेंट बना लिए, एक कॉम्पोनेंट कॉस के साथ, एक साइन के साथ। तो अब मैंने वेट के कॉम्पोनेंट बना लिए, मैंने फ्रिक्शन बना ली, मैंने नॉर्मल रिएक्शन बना लिया, मैंने क्यूई के कॉम्पोनेंट्स बना लिए, कोई डाउट इसमें? अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे आने की एक्सेलरेशन निकालनी है। नीचे आने की फोर्स बताओ कितनी है, mg sin 30, ऊपर की फोर्सेस कितनी है, म्यू एन प्लस क्यूई कॉस 30। इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन, mg cos 30 प्लस क्यूई sin 30, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 प्लस क्यूई sin 30। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्सेस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यही आपका न्यूटन का लॉ है। तो नीचे की फोर्स बड़ी होगी तभी बॉडी नीचे आ रही है। तो mg sin 30 माइनस qe cos 30 माइनस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्लियर है लॉज ऑफ मोशन की। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन जो आपने निकाला mg cos 30 प्लस qe sin 30, इस n को यहां से निकाल के यहां पुट करते हैं, पूरे का पूरा पुट करते हैं, कर दिया, ठीक है यहां तक। अब आपको इस क्वेश्चन में मास पता है, जी पता है, क्यू पता है, ई पता है, म्यू पता है, एम पता है, क्यू पता है, ई पता है और एम पता है। सारी वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, ए आएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर आप अप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू ut + ½ 80², तो एस की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 2, वो हमने निकाल लिया था यहां से, ये 2 मीटर है यहां से, तो एस इज इक्वल टू 0 + ½ 80² एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं यहां से, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेशन बड़ी है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स का कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करना है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, बाकी प्लस वन का लॉज ऑफ मोशन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है यहां तक। एक और क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, ये लास्ट वाला, प्लीज एक बार पढ़ लें।